ओ सलून सलून पे हो आ जाओ वेट 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 पहले लेफ्ट में आपके ए रुकिए रुकिए उसको मैं नहीं वाला क्या बस कैमरा बस कैमरा ओ दीवाना हो जा बे रक्षित एक शूट करो आप पेन भी जरा करो मास्क लेना आप पेन मोबाइल 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 ले लेना वो परीक्षित चालू है नहीं नहीं नहीं
तीन बार पार्टी में क्या करने वाली हूँ, एंजॉय करने वाली हूँ, पार्टी में एंजॉय करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ग्रेटफुल बहुत हूँ. फाइनली दिस वाज अ डे एंड द डेट अवेटेड फॉर द रिलीज ऑफ गेट और थोड़ी सी ड्रिंक कर लूँगी और फिर घर चली जाऊँगी, सो जाऊँगी. आज तो शो रिलीज ही हुआ है, अभी धीरे धीरे सब अभी तक अच्छे आ रहे हैं. अभी पर्सनली मेरी फैमिली ने भी नहीं देखा है और मैंने भी खुद को नहीं टाइम मिला देखने को, बट टिल नाउ इट्स बीन वेरी गुड. बट मुझे और भी जानना है, चाहे अगर कोई मुझे लेके या कोई पॉजिटिव भी बोल रहा है, नेगेटिव भी बोल रहा है, मुझे सब जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है ताकि कहीं मुझे सुधारना है अपने आप को तो मैं सुधार लूँ, और अगर कोई अप्रिसिएशन देगा तो एटलीस्ट मुझे पता होता है हाँ मैं सही राह पर चल रही हूँ. मैम सब शूट पे हैं इसलिए मैं अकेले चल के आई. गिरगिट मनाली में शूट हुआ था और मनाली हमें जाने को मिला था एग्जैक्टली लॉकडाउन के बाद. तो लॉकडाउन के बाद जब हमें बोला मनाली जाना है तो हम ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड थे. पूरी कास्ट और स्पेशली हमारे को एक्टर्स, हम सब एक फैमिली जैसे बन चुके थे. बहुत मज़ा आया, मेरे पास मनाली की बहुत मेमोरीज हैं और ऐसा नहीं कि शूट हो गया तो कोई टच में नहीं है. मैं ऑनेस्टली स्पेशली अपने सब को एक्टर्स के साथ सबके साथ टच में हूँ. कोई मुझसे पूछे कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है लाइफ में, तो मेरे पास सारे आंसर है. तो ऑल इन ऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, स्पेशली मनाली. मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ऑल टू एम एक्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, शो देखिए और जैसा भी आपको फील होता है प्लीज़ बताइए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ. और थैंक यू सो मच.
यस इट इज ओवर. यू बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन 3 times ऑलरेडी. कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक बहुत मेहनत की है हमने शो के लिए और फाइनली इट इज आउट ऑन MX एंड ऑल बालाजी. एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. मुझे तो लग गया, मैंने कल सुबह 4 बजे तक देख लिया. अभी तक तो मैंने कहीं सुना नहीं है कि कैसा लग रहा है शो. अगर जैसे ही पता चलेगा आई एम श्योर दे विल कॉल मी बिकॉज द शो इज सो इंटरेस्टिंग. आई थिंक माई कैरेक्टर इज अ सुपर सरप्राइज फॉर एवरीबडी हु नोज मी. अभी तक तो फोन नहीं आया. फ्रेंड्स ने देखा है, काफ़ी फ्रेंड्स को अच्छा लगा है. इट इज़ अ लवली मिक्स ऑफ फन एंड थ्रिलर. तो काफ़ी जो ब्रिलियंट राइटर टाइप फ्रेंड्स है. अच्छा ये हो गया. ओ सो इट इज फन. इट इज इंट्रीगिंग टू पीपल हु बीन राइटिंग. सो आई एम रियली होपिंग दैट द शो इज ग्रेट. बड़ा मज़ा आया. मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल वर्थ द होल मेहनत दैट एवरीबडी इज डन. आई थिंक ये जो पूरा शो है मेरी अकेले का नहीं है, मेरा कैरेक्टर मेरी अकेले का नहीं है. सब ने एक दूसरे को हेल्प की है एंड दैट शोज इन द शो. डेफिनेटली विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली बट प्लीज स्टे सेफ बिकॉज कोविड इज नॉट गॉन येट. आई हैव माई मास्क इन माई बैग बट आपको शक्ल दिखानी थी. एंड दिवाली में अगर कुछ नहीं कर रहे तो मिठाई खाओ, घर पे बैठो, क्रिकेट देखो, एक बार हॉल पे देखो, एक बार MX पे देखो, मजे करो. हैप्पी दिवाली. थैंक यू. कैन आई गो इन? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. एक्चुअली आई वाज इन हैदराबाद टुडे एंड आई वाज शूटिंग, तो एयरपोर्ट पे भी लोगों ने कहा कि आपका शो देखा तो बड़ा अच्छा लगा है. फिल्म के तो लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है. स्पेशली मेरी पहली सीरीज है तो मैंने पहले से कभी काम नहीं किया था. आई एम एक्साइटेड एंड आई एम ट्राइंग. मेरी फैमिली ने अभी नहीं देखा, कल देखेंगे. फैमिली के साथ जी? जी जी बिल्कुल, फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले. ओके, इसके अलावा आज पार्टी है तो स्टारकास्ट फिर एक बार एक साथ होने वाले हैं, तो वो जो फन सेक्शन होता था वही फन होने वाला है. बहुत मेहनत की इन लोगों ने सभी ने, तो आई थिंक दे डिजर्व कि आज पार्टी होगी, सब लोग इंजॉय करेंगे और मैं सबको शायद बहुत दिनों के बाद मिलूंगा तो बहुत अच्छा लगता है. शूटिंग द सीरीज, तेलुगु सीरीज फॉर द नेटफ्लिक्स, सो वी शॉट 4-5 days नाउ एंड आई एम शूटिंग अगेन नेक्स्ट मंथ. नॉट इवन 24 hours राइट नाउ, 24 घंटे भी नहीं हुआ है तो रिस्पॉन्स इतना जल्दी कहना थोड़ा मुश्किल होगा. बट वट एवर माई फ्रेंड्स है, फैमिली एंड थोड़ा बहुत जो रिव्यूज देखे हैं मैंने, एज ऑफ नाउ दे आर रियली गुड, लाइक मोर देन काइंड ऑफ वट वी एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट. सो या लेट्स सी हाउ इट गोज. क्या क्या तारीफें सुनने को मिली है मेरे बारे में? तो मुझे बहुत तारीफें सुनने को मिली है, तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. रिगार्डिंग द शो, as I mentioned in the previous interviews also regarding the show, jo mereko suna hai ki aisa genre like it's a murder mystery, it's a crime thriller, to aisa genre pehle bane hai but such a genre with so much of turns and twists, that's for the first time. So we were kind of hoping for such kind of reviews and we are getting it, so nothing better than that. Yeah, show ke baad fir ek baar aaj puri cast andar hogi, party karegi. Really excited. Yeah, more than this, the launch and the party, to be honest, it's like the full cast and crew. I haven't met them since ages now because 2-3 mahine ho gaye shoot khatam hue hai, fir jo bhi tha. So I'm really looking forward to see them and just chill with them. Yeah, really happy. Yeah, and thank you so much for you guys coming here. It really means a lot to us. Thank you so much. ऑडियंस को यार फर्स्ट विशिंग यू गाइस अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. आई थिंक दिवाली पे इससे अच्छा तोहफा अपने घर बैठे बैठे क्या आएगा कि क्रिकेट आ गया है. तो वैसे भी अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, लाइक वी शुड हैव प्रिकॉशंस, दो हम बाहर आए हुए हैं बट हैविंग सेड दैट, अगर कोशिश लाइक आई हैव जस्ट कम टू मीट माई फ्रेंड्स, सो यार मीट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड घर बैठे बैठे क्रिकेट देखो. आई कैन वाउच ऑन दिस, यू गाइस विल बिंज वॉच इट. थैंक यू सो मच गाइस. चीयर्स. थैंक यू सो मच.